इस समय मैं प्रगति मैदान के बाहर खड़ा हूं। ये वही प्रगति मैदान है जहां देखा गया था कि G20 समिट हुआ था, पर आज प्रगति मैदान के बाहर कुछ लोग इकट्ठे हुए हैं। इन लोगों का कहना है कि ये यहाँ G20 समिट के मेंटेनेंस स्टाफ के लोग हैं। इनको एक निजी कंपनी द्वारा G20 समिट के समय साफ सफाई और रखरखाव के काम के लिए रखा गया था, पर अब इनका कहना है कि जो इनकी कंपनी है इनको इनकी सैलरी का सही भुगतान नहीं कर रही है, और जिन लोगों की सैलरी आई है उनको भी उनके मेहनताना का पूरा भुगतान नहीं मिला है। इसके बाद आज वो यहाँ आए हैं विरोध प्रदर्शन करने के लिए। तो पहले सर मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। सर मेरा नाम उमा शंकर है। सर मैं यहाँ 16 अगस्त से आया था, यहाँ मेरी जॉइनिंग हुई थी। उसके बाद हम लोग यहाँ 12 घंटे 8 घंटे 9 घंटे जैसा भी हम लोगों ने टाइम दिया, कंपनी को पूरा टाइम दिया। अब सैलरी मांग रहे हैं तो सैलरी के बाद पहली बात तो हमें जॉब से भी निकाल दिया इन्होंने, और जॉब निकालने के बाद अब हमारी सैलरी भी नहीं दे रहे हैं। सैलरी दी है इन्होंने से, कल बड़ी जिद कर करके सैलरी मंगाई है, कंप्लेंट हुई जब सैलरी दी है तो मात्र 2700 रुपये सैलरी दी है हमारी पूरे महीने में। आपको कितनी सैलरी पर इन्होंने बोला था रखें? सर हमारा 16000 रुपये बताया था। हमने अपनी टीम, मेरी हमारी जो ऑनर है, मालिक है जो हमारी, मैंने कल उनसे फ़ोन पर बात करी तो वो कह रही है मैंने 15000 के लिए 15000 रुपये दूंगी मैं। सर 15000 से भी आप जोड़ो हमारे महीने में क्या 2700 रुपये बनते हैं? हमारा नहीं, हमारे सारे लड़कों का यही हाल है। किसी का 1500 आया, किसी का 2000 आया, किसी का 3000 आया। अब इनसे फिर अब इनसे बोल रहे हैं तो कहते हैं कभी 2 बजे के बाद बात करेंगे, कभी कहते हैं अब वर्दी का कट गया, जूते का कट गया, कैप का कट गया, अकाउंट खुलाया बैंक का उसका भी कट गया। तो आपने अभी इनसे बात की, जो जिन लोगों के पैसे पूरे नहीं आए और कईयों के पैसे तो आए ही नहीं, तो आप जैसे कितने हैं इधर? सर हमारी तरह सर कम से कम 200-250 लड़के हैं। दो ढाई सौ लड़के हैं। लेडीज हैं कुछ कुछ, उसमें जेंट्स भी हैं। ओके, तो अभी इनका रुख आपके प्रति क्या है, मतलब घुसने दे रहे हैं, बात कर रहे हैं? सर अंदर तो हमारी एंट्री बंद कर दी गई, अंदर जाओ तो BSF वाले कहते हैं तुम्हारा एंट्री बंद हो गई है, तुम्हारी कंपनी यहाँ से ली गई है, कंपनी हमारी नोएडा में, नोएडा भी नहीं जाने दे रही है। अब बताओ सर हम कहाँ जाएँ? हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे, हम रेंट से रहते हैं, अब हम किराया किस बेस पे देंगे? मकान मालिक तो कह रहा हम आप पे क्यों विश्वास करें? उन्होंने हमें रात में हमारे घर से बाहर निकाल दिया, बोले किराए नहीं आप बाहर जाइए। अब सर हम कहाँ जाएंगे? आप लोग बताइए, हम आप लोगों के सारे खड़े हुए हैं, कंपनी के सारे खड़े हुए हैं, कंपनी को हमने G20 में रात दिन 3 दिन लगातार नाइट ड्यूटी करी है, भूखे प्यासे हमें खाना भी नहीं दिया गया, फिर भी हमने किया। हम लोगों को सब फैसिलिटी के लिए बोला गया था आपको बेड दिया जाएगा, आपको बाथरूम की सुविधा दी जाएगी, नानी 3 दिन तक यहाँ नहाया भी नहीं हम लोगों ने, कंटिन्यू ऐसे ही काम करते रहे परफ्यूम लगा लगा के। आप अपना पैसा मांग रहे हैं तो सब कोई HR यहाँ को भाग जाता है, कोई सुपरवाइजर वहाँ को भाग जाता है, सुपरवाइजरों से बात करो तो सुपरवाइजर सीधे मुँह बात कर रहे हैं और गाली भी देते हैं। बोलो वो कहते हैं हमें, मैं तनख्वाह नहीं बनाता हूँ, तनख्वाह बना रहे HR से बात करो। अब सर हम लोग कहाँ जाएँ? तो आप और भी रोजगार में मतलब लगे हुए थे, मतलब पार्ट टाइम काम करते थे इधर, कैसे थे? नहीं सर हम लोग और दूसरी जगह काम कर रहे थे 13000 रुपये में। अब हम लोगों ने सोचा यहाँ 16000 है भाई, महंगाई के टाइम में 3000 रुपये बढ़ के मिल रहे तो अपने है ही काम करेंगे। अब पता चला इन्होंने हमें 1 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट के लिए बताया, G20 खत्म होते ही 15 तारीख 14 तारीख हो के इन्होंने कह दिया भाई तुम्हारा अपना हिसाब करो, अपने घर जाओ, हमारा टेंडर खत्म हो गया। अब सर अब ना हम यहाँ कह रहे ना घर कह रहे ना घाट कह रहे, कहाँ जाएंगे? अब इनको बोला तो वो कह रहे भाई हमारे पास जॉब ही नहीं, मैं कहाँ जाएँ? अब ए टू जम जॉब तो कहीं मिलेगी नहीं, सैलरी भी नहीं हाथ में, तो हम तो दोनों जगह से सर फंस गए हैं। तो आगे क्या करेंगे आप, अगर आपकी सैलरी नहीं, इनका सैलरी का भुगतान पूरा नहीं होता तो क्या किया जाएगा? सर अब तो मजबूरी यही है, या रोड पे आत्महत्या करना पड़ेगी, हम लोगों का पैसा नहीं है और हम लोगों को यही ऑप्शन है आगे, मकान मालिक घर से बाहर निकाल दे, कहाँ जाएंगे सर हम लोग? तो आप देख सकते हैं इस समय जो लोग हैं वो ये परेशान हैं, ये वही लोग हैं जो अंदर साफ सफाई करते थे। इनको एक प्राइवेट कंपनी प्रिस्टाइन यूटिलिटीज़ द्वारा रखा गया था और इस कंपनी को ठेका था अंदर की मेंटेनेंस का, पर इनका इनकी कंपनी पर सीधा सीधा आरोप है कि इनकी कंपनी ने इनके मेहनताने का भुगतान नहीं किया, उसके कारण ये आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। अनमोल नाथ बाली की नई दिल्ली से रिपोर्ट।